Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello, good morning all. Welcome to testbook.com. So this is time for daily current affairs analysis. Yes, guys, kaise ho aap sab log? Yes, so I hope you all are doing well. I hope your families are also doing well. So we'll start with our current affairs lecture. Current affairs ke hum log start karte hain. Very important events we are going to discuss today. Very, very important news we are going to discuss today. But before that, there are two, three announcements which are done by Government of India yesterday. Those announcements you people should know. Obviously, uske upar aur kya hota hai, hum baad mein proper tarike se dekh lenge. But announcement, one of the announcement is that ki MBBS final year mein jitne bhi students hai, they will be used for the COVID-19 duties. Unko COVID-19 duties ke liye use kiya jayega. तो जो पीजी के एंट्रेंस होती है उसको फोर मंथ्स के लिए पोस्टपोन कर दिया है. तो इंटर्नशिप और प्लस एमबीबीएस फाइनल ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स है दे विल बी यूज फॉर कोविड-19 ड्यूटीज बिकॉज डॉक्टर्स की कमी है. हम बार बार बेड की बात करते हैं बट एक चीज हम लोग भूल जाते हैं कि केवल बेड से पेशेंट ठीक नहीं होगा, आपको डॉक्टर्स की एज वेल एज नर्सेस की जरूरत पड़ेगी. एंड फॉर दैट रीजन वी डिसाइडेड दैट इटली ऑल्सो अनाउंस और इटली ऑल्सो send some doctors to India as well as some oxygen concentrator so that they can help India. So Italy se kuch doctors bhi hai jo aaj hi India ke andar land hue. Dusra, West Bengal, Madhya Pradesh and Delhi, ye teen governments ne recently announcement kiya hai ki journalist jo bhi hamare patrakar dost hai unko bhi COVID frontline worker category ke andar calculate kiya jayega ya usko wahan pe gina jayega. एमपी ने अनाउंसमेंट की थी, दिल्ली ने बहुत पहले अनाउंसमेंट करके रखी हुई थी, वेस्ट बंगाल ने अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की हुई है, कल के दिन ही उनका अनाउंसमेंट हुआ दैट ऑल द रिपोर्टर्स विल बी इंक्लूडेड इनटू कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स. काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. ये कुछ दो तीन चीजें जो एग्जाम के लिए बहुत मैटर करेगी इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट. ओके, नॉट राइट नाउ बिकॉज देर आर मेनी स्टेट्स दे आर गोइंग टू इंक्लूड द अवर जर्नलिस्ट एज द फ्रंटलाइन वर्कर, बट राइट नाउ दैट इज अ सिनेरियो. ओके, आगे बढ़ने से पहले डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट, याद रखिएगा कि अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट यूर एम, आपको अपनी पोस्ट नहीं मिलती तब तक रुकना नहीं है, अपनी पढ़ाई शुरू रखनी है. तो उसी एंगल में हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं. नाउ सबसे पहली न्यूज है, सबसे बुरी न्यूज है इंडिया के लिए. नाउ कोविड पैंडेमिक तो चल रहा है बट उसके अलावा एक और प्रॉब्लम इंडिया में आ रही है. द प्रॉब्लम इज कॉल्ड 7 मिलियन जॉब लेस इंडिया. नाउ इंडिया में 7 मिलियन जॉब जा चुके हैं ऑलरेडी. इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये ऑलरेडी 8% पे पहुंच चुका है एंड विच इज रियली वेरी डेंजरस. ओके, इन द मंथ ऑफ मार्च इट वाज 6.5% एंड नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल के एंड तक इट इज नाउ 8%, लाइक 7.97, दैट इज नियर अबाउट 8% इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ इंडिया. सो जॉबलेस, 7 मिलियन पीपल आर जॉबलेस इन इंडिया. ये तो हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा. अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा अभी तक हमारे पास प्रॉपरली है नहीं एंड दैट इज गोइंग टू क्रिएट द ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया. सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सो डबल वैमी फॉर इंडिया. डबल वैमी का मतलब दो प्रॉब्लम्स है, एक तो कोविड-19 का इश्यू चल ही रहा है, साथ में अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग वेरी ड्रास्टिकली इन इंडिया एंड राइट नाउ इट इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज, ऐसा बहुत सारे एजेंसीज का कहना है. तो ये एक न्यूज की तरफ ध्यान रखिएगा. बड़ी एग्जाम्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं, यूपीएससी, आरबीआई ग्रेड बी, नाबार्ड जैसी एग्जाम्स में, इवन सम एसएससी एग्जाम्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है. आगे बढ़ते हैं. नाउ दिस, ये न्यूज शायद आपको ऑलरेडी पता होगी. नाउ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो नया घर है के उसको 2022 तक कंप्लीट करना है. दिसंबर 2022 तक वो घर कंप्लीट होना चाहिए, उसका डेडलाइन बना दिया. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपको ऑलरेडी पता होगा. नाउ 13,450 करोड़, दैट मच अमाउंट ऑफ मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन द सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट. ये प्रेजेंट डेटा है जो कल प्रेजेंट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से. 13,450 करोड़ हम लोग खर्च कर रहे हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए. उसको ग्रीन क्लियरेंस दिया गया, उसको परमिशन दी गई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से दैट यू कैन बिल्ड दिस प्रोजेक्ट. इसमें पीएम साहब का घर रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब का घर रहेगा, इंडिया का पार्लियामेंट रहेगा और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहेंगे और उसमें से पीएम साहब का घर है जिसको 2022 में कंप्लीट करना है. कि ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव बन जाता है बहुत बार बिकॉज लोग काफी ट्रोल कर रहे हैं इस चीज को कि भाई कहां पे कोविड-19 का सीन चल रहा है और ऐसे कंडीशन में आपको अपना घर कब बनेगा उसकी चिंता पड़ी हुई है. तो यहां पे इनसेंसिटिव वाला काइंड ऑफ सिनेरियो बन जाता है. बट ठीक है, हम उसके ऊपर भी बात नहीं करेंगे कौन सेंसिटिव कौन इनसेंसिटिव नहीं है. बट थोड़ा यहां पर ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा.
नाउ पीएम रेसिडेंट 6.07 हेक्टर्स के अंदर बनने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव 6.66 हेक्टर्स के अंदर वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे सीसी ट्रिपल सी ट्रिपल सी एस सॉरी डबल सी एस 1-9 ऐसे कुछ नाम लिखे हुए के। देखिए ट्रिपल सी का मतलब यहाँ पे होता है सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर के, सीसीएस का मतलब होता है कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियट इंक्लूड्स। ओके तो कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियट का मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट के जो ऑफिस है उसकी यहाँ पे बात की गई है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्रिएट की जाएगी। इसके अलावा ट्रीज की हम लोग बात करते हैं, नियर अबाउट 4642 ट्रीज को शिफ्ट किया जाएगा, उनकी जगह शिफ्ट की जाएगी, उसको रिलोकेट किया जाएगा, उसको रीप्लांट किया जाएगा और साथ में कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का भी यूज यहां पे किया जाएगा। तो इसीलिए ग्रीन जो सॉरी अनाउंसमेंट थी या ग्रीन परमिशन थी वो देना बहुत जरूरी था और वो फाइनली मिल चुके हैं। पर 2022 तक याद रखना, पीएम की बात करेंगे तो दिसंबर 2022 तक ये घर कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा अनाउंसमेंट यहाँ पे रिसेंटली किया गया कि टोटल प्रोजेक्ट जो है टोटल प्रोजेक्ट ये 2026 तक कंप्लीट होगा, दिसंबर 2026 तक कंप्लीट सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा कैसे है हमने लास्ट टाइम उसका एक वीडियो भी देखा था, आपको अच्छे से याद होगा, बट राइट नाउ दिस इज द अनाउंसमेंट डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट विल बी इनफ। ठीक है चलो, सो ये दो अनाउंसमेंट्स थी, दोनों अनाउंसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। स्टार्टिंग में भी मैंने आपके साथ कुछ बात की थी रिगार्डिंग दैट अवर जर्नलिस्ट पत्रकार लोगों को भी सेंट्रल सॉरी फ्रंट वर्कर्स में या कोविड-19 वॉरियर्स के अंदर उनको इंक्लूड किया गया है, स्पेशली बाय द वेस्ट बंगाल एंड द एमपी एज वेल एज दिल्ली। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, यस टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर मेकिंग दिस, ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब बार बार उसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाटा इज क्रिएटिंग दिस, यस। ओके चलो, टेस्ट बुक पास का बंपर सेल चल रहा है 299 का। इसके अलावा जो भी अगर आपको लाइव बैच लेनी होगी टेस्ट बुक सिलेक्ट के अंदर या टेस्ट बुक वीडियोज के अंदर, तो वीडियो लेक्चर्स के अंदर, तो आप नीचे दिया हुआ कोड यूज कीजिए पुष्पक भी, चाहे आपको बैंकिंग रहे SSC रहे या फिर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज इवन UPSC के लिए आप एक कोड यूज कर सकते हो, आपको इंस्टेंट 20% ऑफ मिलेगा। के स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे के आज 3 डेज हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो फायर फाइटर्स डे है के, उसके बाद अस्मा डे की हम लोग बात करेंगे एंड देन माइनिंग की बात की जाएगी, माइनर्स डे भी आज ऑब्जर्व किया जाता है, पर माइनर्स डे नॉर्मली हर कंट्री के अंदर ऑब्जर्व नहीं करते, पर इंटरनेशनल फायर फाइटर डे ये हर कंट्री के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। 4th of May इज अ इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा। के नाउ इंटरनेशनल फायर फाइटर डे ऑब्वियसली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फॉर द लाइफ एंड द प्रॉपर्टी एज वेल एज प्रोटेक्शन ऑफ द फायर फाइटर्स, उनको डेडिकेट ये किया जाता है, ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना। के लास्ट टाइम हमने फायर पार्क की बात की थी, अभी मेरे ख्याल से कल या परसों के लेक्चर के अंदर भी हमारे किसी दोस्त ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी दैट फायर पार्क हमने क्रिएट किया हुआ है ओडिशा के अंदर, वी डिस्कस अबाउट दैट लास्ट टाइम। के तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए 1999 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक फायर लगी थी जहां पे 5 फायर फाइटर्स की डेथ हुई थी, उसके बाद वी डिसाइडेड कि हमें इंटरनेशनल फायर फाइटर डे ऑब्जर्व करना है, तो 4th of May को हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया, ये पॉइंट याद रखना। तो ऑस्ट्रेलिया का जो वाइल्ड फायर हुआ था उसके बाद इस डे को ऑब्जर्व करने का हमारे दिमाग में, एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग दैट। एक और पॉइंट याद रखना, रेड एंड ब्लू रिबन के, नाउ फायर फाइटर डे को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे के दिन रेड एंड ब्लू रिबन्स यूज करने का एक चीज है जिसको हम लोग यूज करते हैं, याद रखना रेड एंड ब्लू रिबन, तो ये उसका सिग्निफिकेंस है, उसका सिंबल है जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, रेड एंड ब्लू रिबन फॉर द फायर फाइटर। तो यहाँ पे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली रिबन कैसे क्यों यूज करते हैं, कौन से कलर का रिबन यूज किया जाता है, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखेगा। रेड का पर्पज है एलिमेंट ऑफ फायर, वेयर एज ब्लू कॉल्ड एज एलिमेंट ऑफ वॉटर, तो फायर फाइटर ऑब्वियसली दे आर फाइटिंग विद द फायर विद द हेल्प ऑफ वॉटर, एंड फॉर दैट रीजन रेड और ब्लू रिबन यहां पे बनाई गई है, रेड फायर के लिए और ब्लू जो होता है वो वॉटर के लिए, बस यहां पे एक पॉइंट याद रखेगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट द न्यूज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और काफी सारे क्वेश्चंस यहां पे आपके एग्जाम में आएंगे, बस रेड और ब्लू की तरफ ध्यान रखेगा, और उसका रीजन क्या है ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिया। एक और डे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आज, और उस डे का नाम है वर्ल्ड अस्थमा डे। सो वर्ल्ड अस्थमा डे दैट इज 1st Tuesday of May के,
अब इसका कोई 4th of May फिक्स नहीं है कि जो भी फर्स्ट ट्यूजडे आएगा मे का उस दिन ये वर्ल्ड अस्थमा डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट, ये इस बार का फोकस है, ये इस बार का थीम है वर्ल्ड अस्थमा डे का, याद रखेगा स्प्रेडिंग अवेयरनेस इज इंपॉर्टेंट। 1993 को ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा इसको क्रिएट किया गया था और उसी के अंडर इस डे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और राइट नाउ अस्थमा डे का बड़ा इंपॉर्टेंस आ जाएगा बिकॉज COVID-19 में आपके लंग्स के अंदर ही प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स के अंदर इश्यू हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जिनको अस्थमा है उनको काफी केयर लेनी पड़ती है, उनको काफी प्रॉपरली रहना पड़ेगा बिकॉज वो ज्यादा ससेप्टिबल है COVID-19 को और काफी लोग जिनकी डेथ हुई है इनको कोई ना कोई लंग का इश्यू था तो उनकी ज्यादा डेथ हुई है इस सारे सिनारियों के अंदर, तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। ओके, तो फर्स्ट ट्यूजडे की हम लोग बात करते हैं इन द एवरी मंथ ऑफ मे में और जहां पे हम लोग इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। आज वर्ल्ड कोल माइनर्स डे भी है के वो डे भी हम लोग आज के दिन पे ऑब्जर्व करते हैं, ये भी एक पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। ठीक है, सो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा 1993 इन्होंने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था। के आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। टर्की एडेड क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू द लिस्ट ऑफ फर्म्स कवर्ड बाय द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग रेगुलेशन। नाउ टर्की की बात करेंगे, जल्दी टर्की का कैपिटल बता दीजिए, उनके प्रेसिडेंट साहब का, उनके जो हेड है उनका नाम बता दीजिए और उनकी करेंसी बता दीजिए बिकॉज यहाँ पे करेंसी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। नाउ लास्ट टाइम हमने एक न्यूज देखी थी कि टर्की ने क्रिप्टो करेंसी का यूज करने से मना किया था कि टर्की के अंदर क्रिप्टो करेंसी रखना इज अलाउड। ओके, क्रिप्टो करेंसी आप मेंटेन कर सकते हो पर क्रिप्टो करेंसी का यूज करना किसी पर्पस किसी चीज को खरीदना ये इट इज नॉट अलाउड। जैसे इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी रहे तो ठीक है, फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्रिप्टो करेंसी को बेच के कोई सामान खरीदना अलाउड नहीं है। उसी तरीके से टर्की के अंदर भी सेम रूल है, पर उन्होंने एक रूल चेंज कर दिया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो जो क्रिप्टो करेंसी वाली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं कि जहां से आप क्रिप्टो करेंसी का सेलिंग परचेसिंग कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर वॉच रखना शुरू कर दिया कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये टेररिज्म के लिए या किसी गलत चीज के लिए तो यूज नहीं की जा रही है। अगर उनको पता चला कि कोई भी प्लेटफॉर्म ये गलत पर्पज के लिए यूज किया जा रहा होगा तो उसके ऊपर बैन लगाया जाएगा, ऐसे टर्की के प्रेसिडेंशियल डिक्री के अंदर मेंशन किया है, प्रेसिडेंशियल अनाउंसमेंट के अंदर मेंशन किया है, तो ये पॉइंट यहां पे याद रखना। यस, अंकारा की बात करेंगे, लीरा इज द करेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री के, और एर्डोगन की हम लोग बात करेंगे, ही इज द राइट नाउ हेड ऑफ दिस कंट्री, तो उन्हीं के अनाउंसमेंट के बाद ये डिसाइड किया गया कि अगर सपोज कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे क्रिप्टो करेंसी का सेलिंग परचेसिंग हो रहा है के स्पेशली बिटकॉइन की बात करते हैं, अगर वो किसी लाइक फाइनेंशियल टेररिज्म फाइनेंशियल में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उनके ऊपर डायरेक्टली बैन लगाया जाएगा और उस प्लेटफॉर्म को उस कंट्री के अंदर अलाउड नहीं करेंगे। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हु अनाउंस दिस थिंग लीगली, इस चीज को अनाउंस किया है। इंडिया के अंदर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया पर इंडिया में हम इनडायरेक्ट तरीके से बिहाइंड द कर्टन ये चीज फॉलो करते हैं, आरबीआई फॉलो करती है, तो ये पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। ओके, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि सेंट्रल बैंक ने क्रिप्टो करेंसी का यूज तो बैन कर दिया टर्की के अंदर, पर अगर किसी के पास क्रिप्टो करेंसी है तो रख सकता है पर उसका पर्पज या उसका यूज करना अलाउड नहीं है, ये भी पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी सारे क्वेश्चंस आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर यहां पे पूछे जाएंगे। के चलो यस, सो ये पॉइंट यहां पे याद रखिएगा। नाउ एक काम करते हैं, विल टॉक अबाउट दी कंट्री, एक बार कंट्री के ऊपर हम लोग देख लेते कि भाई वेरी सॉरी कंट्री कहां पे आती है एक बार देख लेते हैं, विल टॉक अबाउट दैट, उसके ऊपर हम लोग एक बार बात कर लेंगे। यू कैन सी द कंट्री ओवर हियर, यहां पे आप टर्की देख सकते हो कि टर्की यहां पे आपका मिल जाएगा, मेडिटेरियन सी और ब्लैक सी के बीच में ये कंट्री है, कि याद रखिएगा अंकारा इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री एंड इट इज लाइंग बिटवीन के इट इज लाइंग बिटवीन द अंकारा एंड सॉरी इट इज लाइंग बिटवीन द मेडिटेरियन सी एंड द ब्लैक सी, इसके बीच में कंट्री आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। एंड द कैपिटल इज अंकारा, okay, अंकारा इज द कैपिटल ऑफ दिस कंट्री, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस, इट इज कॉल्ड एज द लिंकेज बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप, यूरोप और एशिया का इसको लिंकेज भी हम लोग कहते हैं, ओके, बट नॉर्मली इसको हम लोग यूरोपियन के अंदर, यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये भी एक पॉइंट थोड़ा यहां पे याद रखेगा। ठीक है, चलो गाइज आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलो, सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट झलकियां रिगार्डिंग द टर्की, बस याद रखना कि इनका अनाउंसमेंट क्या था। ठीक है,
ओके ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, ओके इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है चलो। शायद आपको एक्टिंग का रोल देना पड़ेगा बिग बॉस के अंदर। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट फ्रॉम द आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे हैव डेवलप्ड अ हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ सोयाबीन इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। नाउ दिस इज अनदर बिग न्यूज, स्पेशली जिनका एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एग्जाम है या जो यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं या जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, वो लोग ध्यान दीजिएगा। आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1946 में क्रिएट किया गया था पुणे के अंदर, ऑब्वियसली यहां पे पुणे लिखा हुआ है, सो 1946 में इसको क्रिएट किया गया आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट को पुणे के अंदर। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट बट ऑब्वियस है, मल्टीपल चीजों के ऊपर रिसर्च करते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर एंगल में। पर केवल एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं है, यहां पे बाकी भी बहुत सारे रिसर्च होते हैं। अब इनका यहां पे एग्रीमेंट हुआ है ICAR के साथ, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ। एग्रीमेंट किस चीज के लिए? नो, पेस्ट रेजिस्टेंस सोयाबीन यहां पे क्रिएट किया गया। पेस्ट रेजिस्टेंस सोयाबीन यहां पे क्रिएट किया गया। सोयाबीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फूड, वेरी इंपॉर्टेंट द सीड इन इंडिया, स्पेशली फॉर द ऑयल क्रिएशन एज वेल एज फॉर द प्रोटीन। प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा होते हैं और इससे ऑयल भी क्रिएट किया जाता है। हमने लास्ट टाइम मस्टर्ड की बात की थी, याद है आपको, मस्टर्ड की बात की थी, मस्टर्ड के लिए भी एग्रीमेंट हमने साइन किया था। यहां पे सोयाबीन के लिए हमने एक नया वेराइटी क्रिएट किया। अब ध्यान दीजिए, MSES 1407 के, अब याद रखिए इस वेराइटी का नाम क्या है, MSES 1407। ये कोई वेपन नहीं है, ये कोई गन नहीं है, ये कोई मिसाइल नहीं है। आधी जनता, अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि MSES 1407 ये किस चीज का नाम है, तो भाई गन वन मत लिख के आना, ये सोयाबीन का नया वेरिएंट है। आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहां पे इसको पहले यूज किया जाएगा, कि यहां पे इसको पहले चेक करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, तो ये यहां पे पर्पस रहेगा और ये काफी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ऐसे आगरकर इंस्टीट्यूट और ICAR का कहना है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ऑब्वियसली एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, के और जो नए नए चीजों के ऊपर रिसर्च करने के लिए काम करता है, याद रखिएगा। इट ऑल्सो रेजिस्टेंट अ मेजर इंसेक्ट पेस्ट लाइक द ग्रिडल बीटल, लीफ माइनर, लीफ लॉलर, के जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जो नॉर्मली प्लांट को हार्म पहुंचा सकते हैं, स्पेशली सोयाबीन प्लांट को, तो उसको बचाने के लिए ये काफी बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। 104 दिन के अंदर ये सीड मैच्योर भी हो जाते हैं एंड विच कैन बी यूज फॉर द ऑयल प्रोडक्शन एज वेल एज द प्रोटीन प्रोडक्शन। अब देखिए, सीड्स हैव 19.81% ऑयल कंटेंट एंड 41% प्रोटीन कंटेंट एंड शो गुड जर्मिनेबिलिटी। 41% प्रोटीन कंटेंट रहेगा इस नए सोयाबीन के सीड के अंदर। 41% प्रोटीन कंटेंट इज रियली टू मच, इज रियली टू बिग, तो काफी अच्छा है हेल्थ के लिए, पोषण अभियान के लिए या बाकी भी हमारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के लिए। यहां पे हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग ऑयल कंटेंट, देखिए 19.81%, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आगरकर इंस्टीट्यूट के ICAR की बात करेंगे। नाउ वी टॉक्ट अबाउट दिस MSES 1407 इज द वेरिएंट विच दे हैव क्रिएटेड। कहां कहां यूज करने वाले? मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको यूज किया जाएगा। राइट नाउ 41% प्रोटीन है एंड 19.81% ऑयल कंटेंट है। ऑब्वियसली खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन के अंदर इस क्रॉप को हम लोग यूज करते हैं, बस ये पॉइंट याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि एग्रीकल्चर वाली न्यूज क्यों पढ़ना है हमें, पर भाई देश के लिए बहुत मैटर करेगा। राइट नाउ इंडियन एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर विच इज परफॉर्मिंग वेल। हमने देखा था 18.5% हमारा एक्सपोर्ट हो चुका है एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है राइट नाउ इस COVID-19 में। थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। हमने परंपरागत कृषि विकास योजना के ऊपर भी बात की थी, जहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की गई थी, ओके, तो आपको वो भी एक न्यूज़ पता होगी। ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर की न्यूज काफी ज्यादा आ रही है आजकल, सो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। Now in 19, India produced 90 million tons of soybean widely cultivated as oil seeds as well as a cheap source of the protein for animal feed and the many packaged meals. मैंने पहले भी कहा था कि प्रोटीन का काफी बेहतरीन सोर्स है और इंडिया में ऑयल भी क्रिएशन सोयाबीन से काफी ज्यादा होता है, उसका यूज भी काफी ज्यादा है, तो ये दोनों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा एंड दैट इज इंपॉर्टेंट सिनारियो, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अंडमान निकोबार, विक्रमजीत अच्छा पॉइंट मेंशन किया, अंडमान निकोबार की हमने बात की थी, जहां पे हम लोग परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर हमने सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया था। एब्सोल्युटली राइट, के चलो भाई मेरे हाथ में अगर होता ना एग्जाम कैंसिल करना, तो मैं कर देता ना, मेरे हाथ में नहीं है एग्जाम कैंसिल करना, और ये 12th का
फोरम भी नहीं है कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ज्यादा नॉलेजेबल है, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा नॉलेजेबल है कि एग्जाम्स कौन सी कैंसिल करनी चाहिए, कौन सी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, कब लेनी चाहिए. सो लेट देम हैंडल. बिकॉज एक और पॉइंट देखिए, ट्वेल्थ का एग्जाम बहुत मैटर करता है. बिकॉज अगर आपको आगे बढ़ना है, करियर में कुछ आगे करना है, तो विदाउट ट्वेल्थ एग्जाम नथिंग कैन हैपन. ओके, पर एग्जाम कब कंडक्ट करनी है, गवर्नमेंट ज्यादा नॉलेजेबल है एंड दे आर गोइंग टू डू. वैसे भी मेरे हाथ में तो नहीं है ना वो. ओके, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा. चलो आगे बढ़ते हैं. ना ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के, समुद्र सेतु 2 की हम लोग बात करेंगे. ये न्यूज आपने ऑलरेडी देखी होगी, पर इस न्यूज का थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं. समुद्र सेतु 2 अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने लॉन्च किया. अब क्यों लॉन्च किया? इंडिया की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमारी कुछ शिप्स है जो बाहर कंट्रीज जाएगी और वहां से ऑक्सीजन लेके आएगी. एक पॉइंट याद रखना, कल एक पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंशन किया कि ऑक्सीजन, वी हैव द एडिक्वेट ऑक्सीजन. द प्रॉब्लम इज दैट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया राइट नाउ. आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन के प्लांट्स बहुत सारे, पर उस ऑक्सीजन प्लांट में से ऑक्सीजन लाने के लिए आपको खाली सिलेंडर लेके जाना पड़ता है. कि अब वही नहीं है, वही अवेलेबल नहीं है. कि तो ट्रांसपोर्टेशन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑक्सीजन के प्रोविजन के लिए इंडिया के अंदर. के दिल्ली में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है कि भाई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया जाए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है. के तो उसी को फुलफिल करने के लिए समुद्र सेतु 2 नाम का हमारा एक प्रोग्राम है जो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है. 2 की बात करेंगे, 1 कब लॉन्च किया था उसके ऊपर भी बात की जाएगी, पर फिलहाल अभी ध्यान दीजिएगा. ये देखिए, अंडर द ऑपरेशन वॉरशिप हैव बीन डिप्लॉयड टू कैरी लिक्विड ऑक्सीजन फिल्ड क्रायोजेनिक कंटेनर्स. कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है. हम लोग जर्मनी, इटली, सिंगापुर सारे कंट्रीज से कंटेनर्स लेके आ रहे हैं. हम लोग खाली खाली कंटेनर भी लेके आ रहे हैं, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया है. के अब ध्यान दीजिएगा, INS तलवार और INS कोलकाता ये 2 शिप्स है जो फिलहाल यूज की जा रही है. के इसके अलावा एक और शिप है INS ऐरावत जो ऑलरेडी सिंगापुर जा चुकी है और सिंगापुर से लिक्विड ऑक्सीजन टैंक्स को इंडिया लाया जा रहा है. सो INS ऐरावत ऑलरेडी काम कर रही है. INS तलवार की बात करेंगे तो मनामा बहरीन के अंदर है. तो मनामा टू मुंबई यहां पे ऑक्सीजन लाया जाएगा. देन INS कोलकाता की बात करेंगे, दोहा कुवैत के वहां से भी ऑक्सीजन लाने की कोशिश वहां पे की जा रही है. तो तलवार, कोलकाता एंड ऐरावत ये 3 शिप्स फिलहाल काम कर रही है. INS जलशवा के ये भी बहुत जल्दी इसको जुड़ने वाली है और भी बहुत सारी शिप्स है जो यहां पे काम करना शुरू करेगी. ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु अगेन के हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस नाम का एक कंसेप्ट स्टार्ट किया था जिसमें नेवी ने भी ज्वाइन किया. तो जो भी हमारी यूनियन टेरिटोरीज है वहां पे भी ऑक्सीजन हम लोग ऑक्सीजन एक्सप्रेस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं. वहां पे नेवी भी इन्वॉल्व्ड है. के ऑपरेशन समुद्र सेतु ये बाहर कंट्री से ऑक्सीजन लाने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, याद रखेगा. INS शार्दुल के ऑन द सदर्न नेवल कमांड हैज आल्सो बीन रेडी टू ज्वाइन द ऑपरेशन. इसको भी ज्वाइन कर दिया. अगर हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस मिशन की बात की थी उसमें इंडियन नेवी भी जुड़ा हुआ है. कि इंडियन रेलवे तो है पर इंडियन नेवी भी वहां पे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए. याद रखना, जो भी यूनियन टेरिटोरीज है के अंडमान निकोबार लक्षद्वीप की बात की जाएगी, वहां तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए हमारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस इंडियन नेवी के अंडर वर्क करता है. तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ऑपरेशन समुद्र सेतु के एज वेल एज ऑपरेशन एक्सप्रेस. समुद्र सेतु 1 कब लॉन्च किया था, ध्यान दीजिएगा, मई 2020 में. आपको वंदे भारत पता होगा, उस वंदे भारत मिशन के अंदर हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 लॉन्च किया था कि जो भी इंडियंस बाहर कंट्री में अब्रॉड में फंसे हुए उनको इंडिया लाने के लिए हमने इसको यूज किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, याद रखिएगा. के सिमिलर इवैक्यूएशन, जब बाहर बाहर कंट्री में जो लोग फंसे हुए थे स्पेशली अरेबियन कंट्रीज में, उनको लाने के लिए ऐसे और भी हमने बहुत सारे मिशन चलाए. उसमें से 2016 में ऑपरेशन सुकून के बैरूत से हमने इंडियंस को लाया था. ऑपरेशन राहत यमन से 2015 में हमने इंडियंस को लाया था. तो ये पॉइंट याद रखना. सो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 2020 में जब बाहर कंट्री में लोग फंसे हुए थे के इंडियंस ड्यू टू COVID-19 उनको इंडिया लेके आए. ऑपरेशन सुकून की बात करेंगे, ऑपरेशन राहत ये भी हमने 16 और 15 के अंदर चलाया था जब भी किसी बाहर कंट्री में प्रॉब्लम होती है इंडियंस को लाने के लिए. आपको वंदे भारत मिशन ये अच्छे से पता होगा पर उसके अंदर ये वर्क करता है. अभी समुद्र सेतु 2 के अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जो बाहर कंट्री से इंडिया में लाया जा रहा है. बहरीन के, कुवैत की बात करेंगे, सिंगापुर जैसे कंट्रीज की बात करेंगे, दे आर हेल्पिंग इंडिया राइट नाउ. के नियर अबाउट 50 कंट्रीज हो चुकी है जो इंडिया को फिलहाल हेल्प कर रही है, इंक्लूडिंग चाइना एंड पाकिस्तान, दे आर हेल्पिंग इंडिया. तो 50 कंट्रीज है जो इंडिया को हर किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर रही है. इवन भूटान इज हेल्पिंग इंडिया. तो ये भी सिनेरियो फिलहाल चल रहा है. तो ये पॉइंट याद रखना. अगेन
कल जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई उसकी मैं बात कर रहा हूं कि ऑक्सीजन हमारे पास एडिक्वेट है, पर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, जो वेसल्स चाहिए, वो हमारे पास काफी इनएडिक्वेट है और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. के कंगना रनावत को सीरियसली मत लेना, के शी इज सेइंग समथिंग एल्स, के बट दैट इज अ केस, थोड़ा यहां पे ध्यान रखिएगा. ठीक है, चलो. मैंने कहा 50 कंट्रीज आर हेल्पिंग इंडिया, सो डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर. Now, our External Affairs Minister S. Jaishankar on the 3rd May began a four-day visit to UK to participate in the G7 Foreign Ministers meeting. Now, Jaishankar saab chale gaye hai UK. वो यूके चले गए बिकॉज G7 का फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग है. G7 में कौन आता है ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि भाई G7 के अंदर कौन सी कंट्रीज आती है. कल भी हमने बात की थी, कल भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था G7 के अंदर कौन कौन आता है. वापस एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि भाई G7 के अंदर कौन सी कंट्रीज आती है, बिकॉज G7 कंट्रीज ने इस बार इंडिया को इन्वाइट किया है कि आप भी आके मीटिंग अटेंड कीजिए. तो हम G7 का पार्ट नहीं है, हमें केवल इनविटेशन दिया गया है कि आप इस बार मीटिंग को अटेंड कीजिए, और इनविटेशन हमें यूके ने दिया है, यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इन्होंने हमें इनविटेशन दिया है, सो वी आर अटेंडिंग दिस. तो इसीलिए जयशंकर साहब फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग अटेंड करने के लिए चले गए. अब G7 के जितने भी बड़े बड़े हेड्स है उनका मीटिंग बाद में होगा, अभी केवल मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर्स का है. एंड अवर यस यस एब्सोल्युटली, चलो आंसर तो आप लोगों ने ऑलरेडी दे दिया, इटली, जर्मनी, जापान, यूएस, यूके, के यस 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 एंड कनाडा, यस एब्सोल्युटली, ओके, यूएस, कनाडा, जापान, इटली, जर्मनी, यूके की हम लोग बात करेंगे. फ्रांस इज ऑल्सो इन्वॉल्व, यस एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ओके, सही जवाब दिया आप लोगों ने. भाई यहाँ पे चाइना और रशिया मत लिखना, रशिया था पहले, रशिया पहले इसके अंदर था, तब G8 था, पर जब रशिया ने क्रीमिया या फिर यूक्रेन की हम लोग बात करते सो वहां पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया उसके बाद उनको निकाल दिया, तो अभी केवल G7 है, याद रखिएगा. कि G7 का इस बार का प्रेसिडेंसी ये यूके के पास है और इसलिए सारी मीटिंग्स यूके ऑर्गेनाइज कर रहा है. कि यहां पे याद रखिएगा हमें इनविटेशन मिला हुआ है कि भाई आप G7 के मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो. वी आर नॉट द पार्ट ऑफ G7, हम G7 का पार्ट नहीं है, हम G20 का पार्ट है, हमें G7 का पार्ट नहीं है. ओके, चलो मुझे बताइए G20 का प्रेसिडेंसी इस बार किसके पास है, G20 का प्रेसिडेंसी इस बार किसके पास है, उसका भी आंसर दे दीजिए. और इंडिया के पास G20 का प्रेसिडेंसी कब आने वाला है, कौन से ईयर में आने वाला है, वो भी मुझे बता दीजिए. G7 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास नहीं आएगा बिकॉज इंडिया उसका मेंबर नहीं है, इंडिया को केवल इन्वाइट किया गया है. पर G20 का प्रेसिडेंसी किसके पास है, जल्दी से इसका आंसर डाल दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर. इटली, यस, मेरे ख्याल से रोशनी जी ने सही आंसर कर दिया, इटली के पास है, बहुत बढ़िया. ओके, G20 की बात करते हैं, G20 इज विद इटली, एब्सोल्युटली राइट. ओके, इटली के पास है, G20 का प्रेसिडेंसी इटली के पास है, एब्सोल्युटली राइट. ओके, इंडिया के पास कब आएगा, इंडिया के पास कब आएगा, 2023, यस यस, 2023 में इंडिया के पास आएगा. ओके, यस, बहुत बढ़िया. ओके, G20 का यूके के पास कब गया, ओके, मैंने बताया आपको G20 यूके के पास है. ओके, G7 का यूके के पास है, G20 का इटली के पास है, और इंडिया के पास G20 का प्रेसिडेंसी 2023 में आएगा, ये पॉइंट यहां पे याद रखना. यस यस, काफी लोगों ने सही आंसर किया. यस, 2022 में इंडोनेशिया के पास जाएगा, एक्चुअली हमारे पास 2022 में आने वाला था पर हमने शिफ्ट करवा दिया, इंडोनेशिया को 2022 दे दिया और इंडिया ने 2023 कर दिया, याद रखिएगा. बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया, काफी लोगों ने सही आंसर किया हुआ है. आगे बढ़ते हैं. नो, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज प्लेज 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इन चाइल्ड केयर सब्सिडीज टू बूस्ट फीमेल पार्टिसिपेशन इन द वर्क प्लेस. अभी न्यूज थोड़ी सी अलग है, ध्यान दीजिएगा, न्यूज बहुत ज्यादा अलग न्यूज है. के यहां पे क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे, नो डाउट अबाउट दैट. ओके, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा, ध्यान दीजिए. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे जो न्यूली बॉर्न बेबीज है, उनको चाइल्ड केयर में रखने के लिए, तो ना चाइल्ड केयर के अंदर बच्चों को रखते, चाइल्ड केयर में बच्चों को अगर आप रखते हो तो आपको सब्सिडी दी जाएगी. सपोज कोई मदर है अपने बेबी को चाइल्ड केयर में रखती है, तो उसका जो भी खर्चा है उसका खर्चा अभी गवर्नमेंट उठाने के लिए रेडी है. आप काम कीजिए, आप वर्कप्लेस पे आइए, तो महिलाओं का जॉब इंक्रीज करने के लिए, महिलाओं का पार्टिसिपेशन काम में इंक्रीज करने के लिए चाइल्ड केयर जो होता है उसकी सब्सिडी बढ़ा दी. के तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है. स्कॉट मॉरिस जो फिलहाल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को हैंडल कर रहे हैं, फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में एक और प्रॉब्लम चल रही है. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडिया से जितने भी लोग आएंगे उनको आने से मना किया है. अगर इंडिया से कोई आ गया तो उनको जेल में डाल देंगे, ये भी ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया. के जिसको लेके काफी बवाल मचा हुआ है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर इंडिया में है. के
दे वॉन्ट टू गो, उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है पर अभी जा नहीं पाते बिकॉज ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने रोक लगा दी है। आईपीएल में भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आपको बताऊंगा, आईपीएल का बायो बबल बर्स्ट हो गया के कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 प्लेयर्स को COVID-19 हो गया, बाकी और 3 प्लेयर्स है जो सिम्टम्स फेस कर रहे के। सो ये प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ। न्यूज के ऊपर आते ध्यान दीजिए, द स्पेंडिंग टारगेट फैमिलीज विथ मोर देन वन चाइल्ड इन डे केयर बूस्टिंग सब्सिडीज फॉर दोज विद द 2 और मोर चिल्ड्रन एज अप टू 5 इयर्स ओल्ड टू मैक्सिमम 95% सब्सिडी फॉर देयर सेकंड एंड सब्सिक्वेंट चिल्ड्रन। ध्यान दीजिए, बड़ा बेहतरीन अनाउंसमेंट है कि दूसरा बच्चा या उसके बाद जितने भी बच्चे रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हम दो हमारे दो नहीं चलता, ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलेशन का इश्यू नहीं है, हम दो हमारे कंट्री में चलता है। फॉलो कोई नहीं करता वो बात अलग है, पर हमारे कंट्री में चलता है, ठीक है। उस कंट्री में ये मेंशन किया गया कि सेकंड चाइल्ड या उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे उनको अगर डे केयर में रखते, कि उनको अगर चाइल्ड केयर के अंदर रखते तो 95% तक की सब्सिडी मिलेगी, तो महिलाओं के लिए बेटर होगा, उनको खर्चा करने की जरूरत नहीं, नाउ दे कैन वर्क, वो काम कर सकती है। उनका पर्पस है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वुमन एम्पावरमेंट या महिलाओं का वर्क में पार्टिसिपेशन काफी कम हो गया, एंड फॉर दैट रीजन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि काफी महिलाओं ने काम करना चाहिए, जॉब करने चाहिए, ये हमारी इच्छा है, एंड फॉर दैट रीजन दे अनाउंस सच काइंड ऑफ सिनेरियो के अगर कोई महिला काम करना चाहती है और उनको अगर बच्चे है तो आप डे केयर चाइल्ड केयर में रख दीजिए, उसका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी और आप काम करने के लिए आइए। देखिए, इसको कहते हैं वुमन एम्पावरमेंट, इसको कहते हैं सही सोच कि भाई काम कीजिए, महिलाओं का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है और इसी पर्पज के लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने यह अनाउंसमेंट की हुई है, याद रखेगा। स्कॉट मॉरिसन की हम लोग यहां पे बात करेंगे, कैनबेरा इज द कैपिटल, ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज द करेंसी, ऑलरेडी वी टॉक्ड अबाउट दैट, आपको पता है कांगारू बॉन्ड्स के ऊपर हमने लास्ट टाइम बात की थी और ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। सो इसके तरफ ध्यान रखेगा, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। चलो, सो मेनी क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क, मेनी थिंग्स दे आर गोइंग टू आस्क फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज, ओके। इन इंडिया वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ माइंडसेट, दैट इज अ रियली वेरी बैड सिचुएशन समटाइम्स, बट याद रखिएगा वुमन एम्पावरमेंट अगर करना है, कि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के वर्ड्स है, कि अगर वुमन एम्पावरमेंट करना है तो महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। अगर आप उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं करोगे तो कितनी भी बातें कर लीजिए, महिला ये इंडिया की एम्पावर नहीं हो सकती, और उसका एग्जाम्पल हमें ऑस्ट्रेलिया ने दिया हुआ है, याद रखेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नो द स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के सिडबी की बात करेंगे। चलो जल्दी से मुझे बता दीजिए सिडबी के नए हेड कौन है, उनका नाम जल्दी बता दीजिए। उनके नए हेड अभी अपॉइंट किए गए, कि उनके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, मुझे बताइए उनके नए हेड कौन है। सिडबी ने दो स्कीम लॉन्च किए, एक स्कीम का नाम है श्वास के और दूसरा का नाम है अरोग के। सो अरोग एंड द श्वास नाम की दो स्कीम्स है जिसको सिडबी ने लॉन्च किया है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। यस, एस रमन की हम लोग बात करते हैं, एस रमन उसके हेड है, एब्सोल्युटली राइट, ओके। यस 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 अनिशा जी, सेम ही होता है, ओके। यस, लखनऊ के अंदर एब्सोल्युटली उसका हेडक्वार्टर लखनऊ के अंदर है, एस रमन इज द हेड ऑफ दिस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। चलो अब ध्यान दीजिए, दो योजना है, एक योजना का नाम है श्वास और दूसरे योजना का नाम है अरोग, अरोग इज द नेम ऑफ द स्कीम। अब ये स्कीम किस पर्पज के लिए काम कर रही है, COVID-19 प्रिपेयरनेस, COVID-19 प्रिपेयरनेस के लिए दोनों स्कीम काम कर रही है। कैसे काम करेगी, मैं उसको एग्जाम्पल आपको देता हूं, ध्यान दीजिएगा। सपोज मेरी स्मॉल इंडस्ट्री है और मुझे कोई COVID-19 वाली चीजें क्रिएट करनी है, फॉर एग्जाम्पल ग्लव्स बनाने हैं, मास्क बनाने हैं, ऑक्सीमीटर क्रिएट करना है, या मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर क्रिएट करने हैं और मुझे उसकी अगर कंपनी डालनी होगी, तो श्वास और आरोग्य के अंदर मुझे फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, मुझे फंडिंग प्रोवाइड होगी। तो जितनी कंपनियां ये सारी चीजें प्रोड्यूस करेगी उतना देश के कैलामिटी में हेल्प हो सकती है। अब कंपनियों को ये क्रिएट करने के लिए फंडिंग की जरूरत पड़ने वाली है, पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो श्वास और आरोग्य के अंदर ये फंड प्रोवाइड किया जाएगा। श्वास का फुल फॉर्म देखिए, सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकंड वेव ऑफ COVID-19। ध्यान दो, श्वास का फुल फॉर्म है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकंड वेव ऑफ COVID-19। तो ये स्कीम केवल सेकंड वेव के लिए बनाई गई है। के अरोग, सिडबी असिस्टेंस टू MSMEs फॉर रिकवरी ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग द COVID-19 पैंडेमिक। तो आरोग्य के अंदर क्या है, आरोग्य के अंदर जो कंपनियां COVID-19 से लॉस में चली गई उनको रिकवर करने के लिए हेल्प की जाएगी, और श्वास के अंदर जो कोई भी COVID-19 से डील करने के लिए कोई चीज क्रिएट करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीमीटर्स होगा, ऑक्सीजन होंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे, या फिर आप ग्लव्स या मास्क बनाना चाहते होंगे, तो ऐसे कंपनीज को यहाँ पे फंड प्रोवाइड करेंगे, याद रखना। ये दोनों
क्विक क्रेडिट डिलीवरी स्कीम है। क्रेडिट का मतलब है लोन प्रोवाइड करेंगे श्वास के अंदर एज वेल एज आरोग के अंदर। फुल फॉर्म याद रखना सिडबी असिस्टेंस टू हेल्थ केयर सेक्टर इन वॉर अगेंस्ट सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 एंड असिस्टेंस टू एमएसएमईज फॉर रिकवरी एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ये पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है। के चलो यस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। द स्कीम फैसिलिटेट्स फंडिंग फॉर प्रोडक्शन and services related to the supply of oxygen cylinders, oxygen concentrator, oximeters and essential drug. मैंने कहा था आपको कल अगर आपको सपोज अपने दोस्तों के साथ एक स्टार्टअप कंपनी क्रिएट करनी होगी कर भी सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने किया भी है कि भाई इस कोविड-19 में एक छोटा सा प्लांट क्रिएट कर दिया जिसके अंदर उन्होंने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। किसी ने ग्लव्स बनाए, किसी ने मास्क बनाए, कोई मेडिसिन के ऊपर काम कर रहा है, कोई ऑक्सीमीटर बना रहा है। okay. So many people started that. अब कंपनी जब स्टार्ट करेंगे तो फंड की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको फंड मिलने वाले। बड़ा बेहतरीन पॉइंट मेंशन किया सिडबी ने, तारीफ करनी पड़ेगी एस रमन साहब की कि आते ही एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है। okay. दूसरा सिडबी लॉन्च दिस न्यू इनिशिएटिव टू हेल्प एमएसएमईज क्विकली ऑगुमेंट देयर फैसिलिटीज विद द हेल्प ऑफ नेशन ऑगुमेंटिंग कैपेबिलिटीज। ओके तो ये बड़ा अच्छा है कि कंपनीज को एज वेल एज देश को दोनों को फायदा होगा। okay. देखिए द स्कीम इन्वेस्टेड 100% फंडिंग अप टू एन अमाउंट ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ तक का पैसा मिलेगा, कि 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा। इंटरेस्ट रेट जो रहेंगे वो 4.50 to 6% के बीच में रहेंगे। भाई खैरात में पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा लोन पे है। 2 करोड़ तक का लोन मिलेगा कि 48 आवर्स के अंदर ये लोन आपके अकाउंट में आएगा, ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा। इंटरेस्ट ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट रहेगा, फ्री इंटरेस्ट में नहीं है, इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.5% to 6%। डिपेंड करता है केस बाय केस, इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है। और 2 करोड़ तक का लोन यहां प्रोवाइड किया जाएगा, 48 आवर्स के अंदर ये लोन अकाउंट में आने वाला है। ऐसी एक स्कीम लास्ट ईयर सिडबी ने लॉन्च की थी जिसका नाम था सेफ। के सेम से ऐसी एक स्कीम थी जिसका नाम था सेफ जो लास्ट ईयर लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंदर 400 एमएसएमईज को फायदा हुआ था, 400 एमएसएमईज को फंडिंग दी गई थी, तो ये भी पॉइंट यहां पे याद रखेगा। ओके सो 400 एमएसएमईज को लास्ट ईयर फंडिंग मिली थी सेफ के अंदर। सेफ का फुल फॉर्म क्या है, सेफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए सिडबी असिस्टेंस टू फैसिलिटेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स अगेंस्ट द कोरोना वायरस, ये सेफ का फुल फॉर्म था। तो लास्ट ईयर इसको लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंदर हमने काफी सारे सैनिटाइजर्स एज वेल एज मास्क क्रिएट किए थे सेफ के अंदर, तो ये लास्ट ईयर लॉन्च किया गया जहां पे 400 एमएसएमईज को फंडिंग प्रोवाइड की गई थी। इस बार श्वास और आरोग लॉन्च किया गया है, इन दोनों के अंदर भी कोविड-19 के सेकेंड वेव से डील करने के लिए हेल्प की जाएगी। तो ये 3 स्कीम है, तीनों सिडबी के अंडर है। याद रखिएगा दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। मॉडर्ना ना मॉडर्ना की बात करते हैं। मॉडर्ना के जो वैक्सीन है उसको WHO ने रिकॉग्निशन दे दिया। आपको पता होगा WHO ने इमरजेंसी रिकॉग्निशन मॉडर्ना को वैक्सीन को दे दिया है। फिलहाल ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि ट्विटर पे एक और चीज ट्रेंडिंग चल रही है जो हमारे एग्जाम के लिए किसी काम की नहीं है के, बट स्टिल आपको पता होनी चाहिए। बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स दोनों का डिवोर्स हो गया है, कि उन्होंने अनाउंसमेंट किए एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है के, बट याद रखना ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रहा है। दूसरी चीज के, उन्होंने एक पॉइंट और मेंशन किया कि बिल और मेलिंडा गेट्स के बीच में डिवोर्स भला ही हुआ होगा पर उनका जो फाउंडेशन है वो काम करेगा। बिकॉज अफवाह नहीं फैलनी चाहिए, बिकॉज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन पूरे वर्ल्ड में काम करते हैं, इंडिया के अंदर भी काम करते हैं, इंडिया में कोविड-19 के लिए भी काम कर रहे हैं। पर बिल गेट्स का स्टेटमेंट आया, उनके वाइफ का भी स्टेटमेंट आया, एक्स वाइफ का भी स्टेटमेंट आया, उनका स्टेटमेंट ये कि बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बंद नहीं हो रहा है, वो काम करेगा, वो जैसे काम कर रहा था उसी तरीके से और अच्छे तरीके से काम करेगा। वो पॉइंट मेंशन किया गया, याद रखिएगा। ओके तो मैंने ये न्यूज इसलिए बताया आपको बिकॉज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ स्ट्रक्चर में ये काफी ज्यादा मदद करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। द कोवैक्स ग्लोबल वैक्सीन इक्विटी प्रोग्राम हैज स्टक अ डील टू बाय 500 मिलियन डोजेस ऑफ मॉडर्ना कोविड-19 जैब्स। के जैब्स का मतलब होता है वैक्सीन का जो डोज होता है उसको हम लोग जैब्स कहते हैं। के तो ये पॉइंट याद रखना, ये अमेरिकन इंग्लिश है, जैब्स इज काइंड ऑफ अमेरिकन इंग्लिश जो नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म क्रिएट करने की उनकी आदत होती है। ओके नाउ कोवैक्स, कोवैक्स आपको पता होगा, कोई बताएगा मुझे कोवैक्स क्या है, कोवैक्स एग्जैक्टली क्या है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली कोवैक्स इज। के
नो मीना जी, मैंने पहले भी कहा था, इंडिया इज नॉट ज्वाइनिंग G7 परमानेंटली, वी आर बीइंग ओनली इनवाइटेड। हमें केवल इनवाइट किया गया था कि G7 में अगर इंडिया ज्वाइन करते तो उसका नाम चेंज करना पड़ेगा, और अभी इंडिया को परमानेंटली इंक्लूड करने की किसी की भी इच्छा नहीं है। फिलहाल इंडिया को केवल इन्वाइट किया गया कि आप इस मीटिंग के आगे अंदर बैठिए। इन्विटेशन तो इसके पहले पाकिस्तान को भी एक बार मिला था के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ज्वाइन करेंगे, हमें केवल फिलहाल इन्विटेशन मिला है। फ्यूचर में अगर सारे G7 कंट्रीज की इच्छा होगी कि इंडिया को इंक्लूड कर लेते तो अच्छी बात है, पर फिलहाल केवल इन्विटेशन है, याद रखेगा। यस, WHO गावी, यस WHO गावी एज वेल एज कोएलिशन फॉर एपिडेमिक, यस एपिडेमिक, इन सब ने मिला के तीन इंस्टीट्यूशन के, WHO की बात करेंगे, गावी की बात करेंगे, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे, इन सब ने मिलके इस कोवैक्स को क्रिएट किया है, ताकि दुनिया में जो गरीब कंट्रीज है जिनके पास वैक्सीन नहीं है उनको वैक्सीन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो कोवैक्स मीन्स यहाँ पे कोवैक्सिन की बात नहीं हो रही है, कोवैक्स एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसको WHO के गावी नाम का एक फाउंडेशन है उसकी बात करेंगे, और एक है कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इंस्टीट्यूशन, इन तीनों ने मिलके इसको लॉन्च किया। यूनाइटेड नेशन इसके लिए हेल्प करती है, वर्ल्ड बैंक इसके लिए हेल्प करती है, पर इन तीनों ने मिलके कोवैक्स को क्रिएट किया है। अब उसके अंदर मॉडर्ना वैक्सीन है जिसका यूज किया जाएगा। मॉडर्ना को रिसेंटली WHO ने रिकॉग्निशन दे दिया कि भाई आप इसको यूज कर सकते हो, एंड फॉर दैट रीजन इसको एड किया। देखिए 466 मिलियन डोजेस ये मॉडर्ना प्रोवाइड करेगा। मॉडर्ना US-based कंपनी है एंड दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग द वैक्सीन, एंड फॉर दैट रीजन ये पॉइंट याद रखना आपके। सो 2022 तक 466 मिलियन डोजेस दे आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर द कोवैक्स, और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यस अभी देखिए, कोवैक्स फैसिलिटी एंश्योर्स एक्सेस टू जैब्स इन पुअर कंट्रीज विद द कॉस्ट ऑफ कवर्ड बाय डोनर्स। ओके, एक और चीज, काफी लोग ना ऐसा मेंशन करें कि कोवैक्स इज ओनली क्रिएटेड बाय WHO, WHO अकेला नहीं है, WHO केवल सपोर्ट कर रहा है, एक्चुअली इट इज क्रिएटेड बाय गावी, गावी ने क्रिएट किया हुआ है, एंड कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस इन्होंने क्रिएट किया है। गावी की बात करते, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, गावी का फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिनीवा के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। के ईयर 2000 में गावी क्रिएट किया गया था, और आपको पता है गावी किसने क्रिएट किया है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, दे क्रिएटेड गावी। तो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के, तो आपको पता चला होगा कि बिल गेट्स वाली न्यूज मैंने क्यों बताई आपको, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। सो गावी ईयर 2000 में क्रिएट किया गया। उसके बाद कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, इसको 2017 में क्रिएट किया गया, ऑस्लो नॉर्वे, ऑस्लो में इसका हेडक्वार्टर है, नॉर्वे ऑस्लो में इसका हेडक्वार्टर है, यहां से ये लोग काम करते हैं। इन दोनों ने आइडिया क्रिएट की, WHO को बताया, WHO ने कहा कि ठीक है, आई एम गोइंग टू सपोर्ट इट, और WHO इज गोइंग टू सपोर्ट इट। सो WHO ने भी सपोर्ट किया और कोवैक्स को क्रिएट किया गया। तो ये अकेले WHO का नहीं है, यहां पे गावी और CEPI इसका रोल बहुत बड़ा है। के अभी UN भी इसमें जुड़ चुकी है, यहां पे वर्ल्ड बैंक भी जुड़ चुका है, यहां पे ADB ने भी कहा कि हम भी इसको सपोर्ट करेंगे, प्लस G20 कंट्रीज भी यहां पे जुड़ चुकी है इस कोवैक्स फैसिलिटी के अंदर, बट क्रिएटेड बाय दिस थ्री इंस्टीट्यूशंस, याद रखना। गावी ईयर 2000 में क्रिएट किया गया, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा के अंदर है, CEPI दैट इज कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो एपिडेमिक के ऊपर काम करती है, 2017 में क्रिएट की गई, और ऑस्लो नॉर्वे में उसका हेडक्वार्टर है, ये पॉइंट यहां पे याद रखेगा। सो दिस थ्री पीपल और दिस थ्री ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर क्रिएटेड दिस। ओके, स्कीम एम टू डिस्ट्रीब्यूट इनफ डोजेस टू वैक्सीनेट 27% ऑफ द पॉपुलेशन इन द 92 पुअरेस्ट टेरिटोरीज पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोग्राम बाय द एंड ऑफ ईयर। के तो 27% पॉपुलेशन जो 92 गरीब कंट्रीज में से मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज है, इनको ये प्रोवाइड किया जाएगा, एंड दैट इज देयर पर्पस। सो मॉडर्ना जॉइन देम ऑलरेडी, कोविशील्ड ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड हो चुका है, कोवैक्सिन इंक्लूड नहीं हुआ, पर कोविशील्ड ऑलरेडी इस स्कीम के अंदर इंक्लूड है, जिसका नाम है कोवैक्स, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। नहीं प्रगति जी, आप गलत जा रहे हो, आप गलत जा रहे हो प्रगति जी, गावी WHO और CEPI मिलके मॉडर्ना नहीं बनता, मॉडर्ना इज द नेम ऑफ द वैक्सीन, ये वैक्सीन का नाम है के, और स्कीम का नाम है कोवैक्स। सो आपने जो लिखा उसके सामने इज इक्वल टू कोवैक्स कर दीजिए, मॉडर्ना इज द नेम ऑफ द कंपनी जो वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, तो इस स्कीम के अंदर ये लोग अभी वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे, तो गलत इंफॉर्मेशन लेके आगे मत बढ़िए, एग्जाम में दिक्कत जाएगी। मॉडर्ना इज द नेम ऑफ द वैक्सीन ओनली, दे आर हेल्पिंग देम। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। यस
Yes, Reliance Industries Limited has become the India's largest single location producer of medical grade liquid oxygen amid the second wave of COVID-19 in the country. Okay, अब ध्यान दीजिए. चलो फोकस कीजिएगा. नाउ कोविड-19 की बात करेंगे, लिक्विड ऑक्सीजन. नाउ ऑक्सीजन क्रिएशन की बात करेंगे तो रिलायंस राइट नाउ इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. के 0 मेट्रिक टन से लेके 1000 मेट्रिक टन, ओके, डेली 1000 मेट्रिक टन का ऑक्सीजन क्रिएट किया जा रहा है इन द विद द हेल्प ऑफ रिलायंस. ओके, सो इंडिया का लार्जेस्ट, सिंगल लार्जेस्ट लोकेशन प्रोड्यूसर फिलहाल रिलायंस बना हुआ है, तो तारीफ तो इनकी करनी पड़ेगी. 0 मेट्रिक टन था, वहां से 1000 मेट्रिक टन पर डे दे आर क्रिएटिंग, सो दैट इंडिया के यूनियन टेरिटोरीज और इंडिया के स्टेट्स तक प्रॉपरली ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके. ओके, इंडिया की बहुत सारी कंपनीज क्रिएट कर रही, नो डाउट अबाउट दैट. ओके, अदानी साहब क्रिएट कर रहे, टाटा क्रिएट कर रहे, इंडिया की जितनी ऑटोमोबाइल कंपनी थी सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज ने ऑक्सीजन क्रिएट करना शुरू कर दिया है, तो इंडिया में ऑक्सीजन काफी क्रिएट हो रहा है. कि मैंने पहले भी कहा था कि ऑक्सीजन क्रिएट करना इज नॉट द प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर द इंडिया, पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द इंडिया, और वही दिक्कत जा रही है. ओके, सो राइट नाउ 1000 मेट्रिक टन द हाईएस्ट सिंगल डे ऑक्सीजन क्रिएट करने का रिकॉर्ड फिलहाल अभी रिलायंस के पास है, तो एक पॉइंट यहां पे याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे. नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बात करते हैं. भाई मैं अगर हिंदी में बात नहीं कर रहा तो मैं क्या कर रहा हूं? ओके, प्लीज हिंदी इंग्लिश वाले चीजों को बीच में मत लाइए, न्यूज को समझिए. मेरे ख्याल से न्यूज सबको समझ में आ रही है, तो प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए. ओके, चलो यस, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करें. ओके, यस, नाउ मेरे ख्याल से कुछ लोगों को ब्लॉक जरूर करने की जरूरत है. ओके, ज्यादा देखिए यहां पे आप बकर करने के लिए आओगे तो भाई यहां पे ब्लॉक किया जाएगा. ओके, चलो ठीक है, कोई जरूरत नहीं है. ओके, ऐसे लोगों की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं जो हमें डिस्टर्ब करे, सो डेफिनेटली दिस पीपल आर गोइंग टू बी ब्लॉक्ड, डोंट वरी. ओके, अदर पुनावाला का कोई केस नहीं, भाई साहब थोड़े से इमोशनल हो गए, भाई साहब थोड़े से ज्यादा ही लाइमलाइट में आना चाहते थे, भाई साहब चले गए, कुछ नहीं, वो आ जाएंगे वापस. ओके, वो आने वाले, आना ही पड़ेगा, कंपनी यहाँ पे कहाँ जाएंगे ना, देश छोड़ के. ओके, यही पे आना पड़ेगा, कहीं जाने वाले नहीं है, थोड़ा सा लाइमलाइट, थोड़ा सा प्रेशर आ गया होगा, प्रेशर में चले गए, कोई बात नहीं, वैसे भी उनका इंग्लैंड में घर है तो जाते आते रहते हैं. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते. नाउ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे. यस, फाइजर की बात करेंगे. फाइजर इज ऑल्सो द कंपनी फ्रॉम द यूएसए, ये भी यूएस बेस्ड कंपनी है. फाइजर की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, फाइजर को 1849 में क्रिएट किया गया. दिस इज अनदर कंपनी, और इनका वैक्सीन भी है जो अभी बहुत जल्दी इंडिया के अंदर यूज किया जाएगा. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वैक्सीन वी आर यूजिंग, दिस वैक्सीन विल बी यूज इन इंडिया वेरी सून. ओके, पर फाइजर ने उसके पहले एक अनाउंसमेंट किए कि 70 मिलियन ये इंडिया को प्रोवाइड करेंगे एज अ डोनेशन, इंडिया को एज अ डोनेट किया जाएगा 70 मिलियन फॉर द मेडिसिन. फाइजर के जो हेड है उनका ये कहना है कि ये फाइजर का आज तक का सबसे बड़ा CSR है, फाइजर का आज तक का सबसे बड़ा हेल्प है जो किसी कंट्री को प्रोवाइड की गई है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग टू इंडिया 70 मिलियन फॉर द मेडिसिन. ओके, देखिए उनके वैक्सीन अलग है, उनके वैक्सीन को अभी तक इंडिया के अंदर परमिशन नहीं है, शायद बहुत जल्दी उनके वैक्सीन को इंडिया के अंदर परमिशन दी जाएगी. बट वैक्सीन छोड़ के जो भी बाकी मेडिसिन लगते हैं कोविड-19 से डील करने के लिए, कोविड-19 से रिकवर करने के लिए, उन मेडिसिन का सप्लाई यहाँ पे फाइजर करने वाला है, तो उसके लिए 70 मिलियन ये इंडिया को प्रोवाइड किया गया. ओके, फाइजर में ये पी साइलेंट है, याद रखना, फाइजर 1849 में यूएस में क्रिएट की गई थी एंड 70 मिलियन. सो अल्बर्ट बोर्लो के ये उनके हेड है, इन्होंने अनाउंसमेंट किए कि ये सबसे बड़ा आज तक का जो डोनेशन है हम किसी कंट्री को दे रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये इंडिया को दिया जाएगा बहुत जल्दी. देखिए अब ये लोग फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक अच्छा पॉइंट ये हो गया कि फाइजर वैक्सीन को इंडिया के अंदर परमिशन मिल सकती है. तो फोर्थ वैक्सीन है जो शायद इंडिया के अंदर आ सकता है, Sputnik 5 ऑलरेडी आ चुका है, कि कोविशील्ड कोवैक्सीन ऑलरेडी हमारे पास है, और फाइजर को भी परमिशन मिल गई तो काफी बेहतरीन रहेगा, बिकॉज फाइजर का इफेक्टिवनेस ये 95% है, 95% इफेक्टिवनेस है फाइजर का. इतनी जबरदस्त अगर वैक्सीन इंडिया के अंदर आती है तो ये बहुत बेहतरीन रहेगा, पर फिलहाल ये आई नहीं है, फिलहाल वो लोग केवल मेडिसिन भेजने वाले हैं. बाद में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब वीजी सोमानी साहब परमिशन दे देंगे फाइजर को, तब शायद फाइजर इंडिया में काम करना शुरू कर सकती है, जैसे हमने स्पटनिक 5 को दी थी वैसे भी फाइजर को मिलने वाली है, याद रखेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. SBI की बात करेंगे, पर यहां पे SBI एज अ बैंक नहीं काम कर रही है, यहां पे SBI एज अ NGO के तौर पे काम कर रही है. 71 करोड़
के इनिशिएटिव स्टार्ट किए एसबीआई ने कोविड-19 से फाइट करने के लिए। तो बड़ा अच्छा इनोवेशन है, बड़ा अच्छा स्टेप है यहाँ पे एसबीआई ने लिया हुआ है कि दिनेश खारा एसबीआई के फिलहाल चेयरमैन है। 1955 में एसबीआई ने काम करना शुरू किया था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह कहना है कि 71 करोड़ हम खर्च करेंगे इंडिया में कोविड-19 से फाइट करने के लिए। उसमें से देखिए 30 करोड़ यहाँ पे 1000 बेड का एक हॉस्पिटल क्रिएट किया जाएगा, 250 बेड आईसीयू के लिए यूज किए जाएंगे एंड 1000 बेड फॉर आइसोलेशन के लिए यूज करेंगे जहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो 30 करोड़ जो वो खर्च करने वाले के, सो 1000 बेड के हॉस्पिटल्स, 250 बेड के आईसीयूज और 1000 बेड के आइसोलेशन सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे, ये अनाउंसमेंट है। तो काफी अच्छा है के एंड ऑल्सो दे ऑल्सो मेंशन कि किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को या किसी स्टेट गवर्नमेंट को अगर हेल्प चाहिए तो कोई भी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए एसबीआई रेडी है। तो काफी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे बैंक के तौर से नहीं, एक एनजीओ के तौर से, एक काफी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एसबीआई ने यहाँ पे हेल्प की हुई है, तो तारीफ करना तो बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी रविशंकर हैज बीन नेम्ड एज द फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक। कल की जो फाइनेंशियल समाचार का मेरा लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर ये न्यूज मैंने कवर की थी। कल जो फाइनेंशियल समाचार का लेक्चर होता है हमारा टेक्स्टबुक बैंकिंग चैनल पे, वहां पे न्यूज मैंने ऑलरेडी कवर की थी। बाकी लोगों के लिए कवर कर देते कि अभी हमारे बीपी कनुंगो वो साहब अभी रिटायर हो गए थे 2 अप्रैल को, आप उनका फोटो देख सकते हो, 2 अप्रैल को रिटायर हो गए थे। अब वो जगह वैकेंट थी, इंडिया में 4 आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर होते, उसमें से एक जगह वैकेंट थी, वहां पे टी रविशंकर साहब जो ऑलरेडी आरबीआई में ही काम कर रहे थे उनको अपॉइंट कर दिया गया कि भाई अभी आप आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर हो। अभी तक पेमेंट सिस्टम जो होती ना यूपीआई या ऑनलाइन पेमेंट, उस सारे सिस्टम के ऊपर ये वॉच रखे हुए थे कि अभी उनको डेप्यूटी गवर्नर बना दिया बीपी कनुंगो साहब के जगह पे। फिलहाल हमारे बाकी 3 डेप्यूटी गवर्नर कौन है, महेश कुमार जैन, मिचेल देवपात्रा एंड राजेश्वर राव, ये इंडिया के 3 बाकी बचे हुए डेप्यूटी गवर्नर है। शक्तिकांत दास तो गवर्नर साहब है, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, सो महेश कुमार जैन ये एक डेप्यूटी गवर्नर है, मिचेल देवपात्रा ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर बैठते हैं, राजेश्वर राव ये भी हमारे डेप्यूटी गवर्नर है, और यहाँ पे टी रविशंकर साहब की बात करेंगे तो 4 डेप्यूटी गवर्नर हो गए। टी रविशंकर ये आईएमएफ के अंदर भी काम कर चुके हैं और बांग्लादेश के गवर्नमेंट बैंक के साथ भी इन्होंने काम किया हुआ है, तो उनका एक्सपीरियंस काफी तगड़ा है और काफी बेहतरीन है, ये भी एक पॉइंट याद रखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। चलो नाउ नेक्स्ट न्यूज, एक्सिस बैंक हैज अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अमिताभ चौधरी एज द एमडी सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 3 years। नाउ अमिताभ चौधरी ऑलरेडी एमडी सीईओ थे एक्सिस बैंक के, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, चलो मुझे बताइए एक्सिस बैंक कब बना और उसका हेडक्वार्टर कहां पे, जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, देखते कितने लोग आंसर करते हैं। नाउ एमडी सीईओ, किसी हर बैंक में एमडी सीईओ होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं एचडीएफसी में शशिधर जगदीशन साहब की बात करेंगे कि इज द एमडी सीईओ। एसबीआई के अंदर 5 एमडीज होते हैं, एसबीआई के अंदर 5 एमडीज है, एसबीआई का काम बहुत बड़ा है, इसलिए वहां पे चेयरमैन का नाम हम लोग याद रखते हैं। यहां पे देखिए अमिताभ चौधरी एमडी सीईओ है, इनको एक्सटेंशन दिया गया और 3 साल का, पर एक्सटेंशन यहां पे एक्सिस बैंक ने दिया है, इनको एक्सटेंशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक आरबीआई हां नहीं कहती। तो याद रखिएगा किसी भी बैंक में एमडी सीईओ चेयरमैन उसका अपॉइंटमेंट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक आरबीआई हां नहीं कहती। तो अभी एक्सिस बैंक ने कहा कि भाई इनको हम लोग एक्सटेंशन दे देंगे, पर जब तक आरबीआई नहीं कहती ये एक्सटेंशन आगे नहीं बढ़ेगा, ये भी पॉइंट याद रखना। यस, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है, 1993, एब्सोल्युटली राइट। ओके, याद है आपको एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन, एचडीएफसी बैंक के फिलहाल के टेम्पररी चेयरमैन कौन है, या टाइमिंग के लिए फिलहाल एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन कौन है, जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। ओके, एचडीएफसी बैंक के रिसेंटली चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया आरबीआई के तरफ से, जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, देखते कितने लोग इसका आंसर करते हैं। ओके, यस, लेट्स सी हाउ मेनी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, यस, अतानु चक्रवर्ती, यस एब्सोल्युटली अतानु चक्रवर्ती साहब की बात करेंगे। यस, अतानु चक्रवर्ती साहब, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, एब्सोल्युटली राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ठीक है, यस, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे। नाउ रिटायर्ड जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत हैज बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। नाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में क्रिएट किया गया एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ध्यान दीजिए स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है इसको पार्लियामेंट के लॉ से क्रिएट किया गया। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पार्लियामेंट्री लॉ से क्रिएट किया गया है 1993 में। इसकी जिम्मेदारी क्या होती है, आर्टिकल नंबर 21 पता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 21 आपको पता होगा, हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 21 आपको अच्छे से पता होगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी।
तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन उसी आर्टिकल 21 के ऊपर ध्यान रखते हुए इंडिया में ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करता है। यहां पे पांच लोग होते हैं, पांच मेंबर प्लस एक चेयरमैन होते हैं, पांच मेंबर प्लस एक चेयरमैन, और जो चेयरमैन रहेंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रहते हैं, आइदर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस। ओके, अब यहां पे एचएल दत्तू साहब थे, एचएल दत्तू साहब थे जो अभी तक इसको सब कुछ हैंडल कर रहे थे, पर वो रिटायर्ड हो गए दिसंबर मंथ में, मंथ ऑफ दिसंबर में वो रिटायर्ड हो गए, तो जगह वैकेंट पड़ी हुई थी, तो उस जगह पे प्रफुल्ल चंद्र पंत है, इनको अपॉइंट किया गया, इनको यहां पे बिठाया गया कि भाई अभी फिलहाल के लिए आप इसको हैंडल कर दीजिए। तो प्रफुल्ल चंद्र पंत ये राइट नाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड है, इंचार्ज है, ये टाइमिंग के लिए इनको एक्टिंग चेयरपर्सन बनाया गया टाइमिंग के लिए, अब जो परमानेंट चेयरपर्सन बनेंगे वो बाद में आ जाएंगे। फिलहाल याद रखना आर्टिकल नंबर 21 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया, पांच प्लस एक छह मेंबर्स होते और एक यहां पे हेड रहेंगे, चेयरपर्सन रहेंगे, जहां पे एचएल दत्तू थे अब उनके जगह पे जस्टिस पंत है, इनको यहां पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। इंडियन शटलर पीवी संधु एंड द कनाडास मिचेल ली हैव बीन नॉमिनेटेड एज एथलीट एम्बेसडर्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी टू बिलीव इन स्पोर्ट। नाउ बिलीव इन स्पोर्ट नाम का एक कैंपेन है जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने लॉन्च किया। अगेन ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने एक कैंपेन लॉन्च किया, कैंपेन का नाम है बिलीव इन स्पोर्ट्स। ओके, स्पोर्ट्स के अंदर होता है ना मैनिपुलेशन होता है, बहुत सारे लोग करप्शन करते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैचेस फिक्स होती है, तो स्पोर्ट्स के ऊपर एक ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया बिलीव इन स्पोर्ट इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की तरफ से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी 1894 में क्रिएट की गई, के स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, पर जब उसको क्रिएट किया गया था तो पेरिस के अंदर क्रिएट किया गया था के इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी को, पर हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर है, थॉमस बैच ये उसके हेड है। और यहां पे पीवी सिंधु की बात करेंगे के, या फिर जो कैनेडियन बैडमिंटन प्लेयर है ली, इन दोनों को यहां पे अपॉइंट किया गया कि आप ब्रांड एंबेसडर्स हो इस कैंपेन को आगे ले जाने के लिए। ये बैडमिंटन का कैंपेन नहीं है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का कैंपेन है, और जिनकी तरफ से बिलीव इन स्पोर्ट्स इस कैंपेन के लिए एक इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर को अपॉइंट किया गया है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कैंपेन है। कि ये कैंपेन वैसे 2018 में लॉन्च किया गया था, कि इसके अंदर काफी सारे प्लेयर्स जुड़े हुए थे, काफी फेमस प्लेयर्स जुड़े हुए थे, अभी यहां पे पीवी सिंधु जी है, इनको भी यहां पे जोड़ दिया गया है, तो याद रखिएगा, इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नौ श्रीलंका के ऑलराउंडर है, प्लेयर है तिसारा परेरा, कि इनका रिटायरमेंट हो गया, आपको बता हुआ जो हमारी वर्ल्ड कप की फाइनल मैच थी उसमें गौतम गंभीर साहब को आउट करने वाले प्लेयर तिसारा परेरा थे, कि ऑलराउंडर प्लेयर थे, बट नाउ ही सेड कि ही इज गोइंग टू टेक द रिटायरमेंट, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तिसारा परेरा कुछ दिनों के लिए श्रीलंकन टीम के कैप्टन भी रह चुके, के पर बेटर देन दैट वो ऑलराउंडर के नाम पे बड़े फेमस थे, सो ही रिसेंटली टुक द रिटायरमेंट। 6 टेस्ट 166 ODIs and 84 T20s 12 साल के अपने करियर के अंदर उन्होंने खेली हुई है, कि एज वेल एज जब श्रीलंका 2014 में T20 वर्ल्ड कप जीती थी उस टीम के भी ये मेंबर थे, और प्लस जब हमारा वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था ODI का उस मैच के अंदर भी ही वाज वन ऑफ द प्लेयर, सो याद रखिएगा बड़े फेमस प्लेयर थे, एंड ही फाइनली अनाउंस हिज रिटायरमेंट, सो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। के नाउ हम ग्रैंड प्रिक्स की बात करेंगे, ऑब्वियसली संडे के दिन रेस होती है, F1 की रेस होती है, लुइस हैमिल्टन फ्रॉम द यूके, सर लुइस हैमिल्टन फ्रॉम द यूके, ही अगेन वन द रेस, मर्सिडीज के लिए ये रेसिंग करते हैं। मैक्स वेस्टैपन रेडबुल के प्लेयर है, इनको हरा के नाउ ही बिकम द लाइक पोर्तुगल की जो ग्रैंड प्रिक्स है ही वन दिस, के उनके ही टीममेट है वेल्टेरी बोटास, ये थर्ड नंबर पे आ गए, याद रखना हैमिल्टन सबसे ऊपर, देन हम लोग बात करते हैं वेस्टैपन की एंड वेल्टेरी बोटास, से तीन लोग हैं जो पोडियम फिनिश इन लोगों ने किया हुआ है। तो चैंपियनशिप एक्सटेंडेड लीड ऑफ ड्राइवर्स टू द 97th विन, ये 97th विन है ओवरऑल लुइस हैमिल्टन की, यूके से बिलोंग करते हैं एंड मर्सिडीज के लिए रेस करते हैं, ये पॉइंट यहां पे याद रखेगा। ठीक है, चलो गाइज आगे बढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट, इंडिया रिटेन द सेकंड प्लेस इन द ICC T20 चैंपियनशिप, सबसे ऊपर इंग्लैंड है, सेकंड नंबर पे T20 में इंडिया आता है, के बट हम लोग अगर बात करते हैं ODI के चार्ट में, तो ODI के चार्ट में इंडिया थर्ड नंबर पे जा चुका है, के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड देन इंडिया आता है थर्ड नंबर के ऊपर, और हम T20 की बात करें तो T20 में इंडिया सेकंड नंबर पे है, ध्यान दीजिएगा, के सॉरी न्यूजीलैंड इज एट द टॉप व्हेन फॉलोड बाय द ऑस्ट्रेलिया एंड उसके बाद इंडिया आता है ODI के अंदर। T20 की बात करें तो इंग्लैंड सबसे ऊपर है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, और टेस्ट की बात की जाए तो टेस्ट पे सबसे ऊपर इंडिया है और सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड आता है, तो टेस्ट रैंकिंग के अंदर। ओके, सो ये तीन रैंकिंग्स है जो रिसेंटली अभी अनाउंस की गई, थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो सो ये सारी चीजें यहां पे हमने देख दी।
चलो ठीक है, यस गाइस आगे बढ़ते हैं। या अभी विल टॉक अबाउट द एमसीक्यूज, पांच एमसीक्यूज की बारी आती है जिसके थ्रू आपको अमेजॉन वाउचर्स दिए जाएंगे। तो फाइव एमसीक्यूज है के जिसके ऊपर हम अमेजॉन वाउचर्स देते हैं, तो आपके आंसर्स के जिसका आंसर सबसे पहले आएगा और एकदम एप्रोप्रिएट आएगा उसको अमेजॉन वाउचर मिलेगा। अमेजॉन वाउचर मिलने के लिए आपको ऊपर एक फॉर्म होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा जिसका नाम मैं लूंगा के ऑब्वियसली उसी का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा और हमारी टीम उसको विद इन अ वीक कॉन्टेक्ट करके वो आपके Amazon ऑब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करेगी। तो याद रखेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू आपके सामने ये रहा कि विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ 140 एकर्स ऑफ लैंड टू ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट फॉर सेटिंग अप ऑफ द लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन एशिया। भाई कौन सा स्टेट है इनको प्रोवाइड कर रहा है के? आंसर इज मीना जी, सही आंसर मीना जी का आंसर सही है। यस हरियाणा की यहाँ पे बात करेंगे, मीना जी एब्सोल्युटली। मैंने स्टेट पूछा हुआ था, मैंने सिटी नहीं पूछी हुई थी, मैंने स्टेट पूछा हुआ था। सो मीना जी आपका आंसर एकदम सही है, हरियाणा इज द आंसर। सो मीना सैनी एब्सोल्युटली राइट। 140 एकड़ का लैंड है जो फ्लिपकार्ट को प्रोवाइड किया जा रहा है के बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, गुरुग्राम के अंदर ऑब्वियसली इसको क्रिएट करेंगे, पर हरियाणा इज द आंसर ओवर ईयर। एब्सोल्युटली राइट के, एब्सोल्यूट राइट, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया कि मीना जी, बाकी लोगों ने भी आंसर दिया पर मीना जी कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, एक और है, अदानी एंड फ्लिपकार्ट टुगेदर आर वर्किंग, ये दोनों साथ में काम करने वाले। सो अदानी के जितने भी वेयर हाउसेस है इट कैन बी यूज बाय फ्लिपकार्ट, स्पेशली मुंबई का वेयर हाउस है अभी जो फ्लिपकार्ट यूज करेगा, तो अदानी एंड फ्लिपकार्ट इनका भी एग्रीमेंट हुआ है, ये भी पॉइंट यहाँ पे याद रखेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। Which country would not take part in the upcoming Tokyo Olympics? Tokyo Olympics के अंदर कौन सी कंट्री है जो पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जिसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया? देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। यस गाइस, चलो देखते हैं कितना। यस आंसर इज सौरभ के, सौरभ सहा एब्सोल्युटली राइट आंसर। सौरभ का आंसर सबसे पहले, उसके बाद खुशी जी का है, लगभग बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है खुशी जी, सौरभ और उल्लियार सुषमा इन तीनों के आंसर के बीच में, पर आंसर इज नॉर्थ कोरिया। सौरभ एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो यहां पे नॉर्थ कोरिया की हम लोग बात करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हमारे इस बार के जो ओलंपिक गेम्स है, टोक्यो ओलंपिक गेम्स, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। ओके, शायद इंडियन एथलीट्स को भी पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिलती है नहीं मिलती है फिलहाल हमें नहीं पता, पर नॉर्थ कोरिया ने मना कर दिया। एब्सोल्युटली आगे बढ़ते हैं। Now the Reserve Bank of India announced a secondary market government security acquisition program. Okay, the first purchase of how many rupees will take place in the April 2021? चलो, वन ट्रिलियन का गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम आरबीआई ने लॉन्च किया मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मंथ ऑफ अप्रैल में कितना परचेस किया जाएगा, मंथ ऑफ अप्रैल में कितना अमाउंट परचेस करने की बात की है जल्दी बताइए। टोटल प्रोग्राम 1 ट्रिलियन का है, टोटल प्रोग्राम 1 ट्रिलियन का है के, बट यहां पे यस विकी, यस एब्सोल्युटली विकी, बहुत बढ़िया विकी का आंसर सही है। 25,000 करोड़ की हम लोग बात करेंगे, 25,000 करोड़ विकी। रिया जी आपका भी आंसर सही है, पर विकी जी योर आंसर इज राइट, 25,000 करोड़। रिया जी आपकी गलती होगी, आपने केवल 25 करोड़ लिखा के 25,000 करोड़ है, और टोटल अगर हम बात करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम की तो यहाँ पे आएगा 1 ट्रिलियन की बात करेंगे। सो 1 ट्रिलियन के ये टोटल ओवरऑल पूरे साल के लिए, और केवल मंथ ऑफ अप्रैल के लिए, सॉरी पूरे साल के लिए भी नहीं, केवल एक क्वार्टर के लिए, 1 क्वार्टर के लिए, और 25,000 की हम लोग बात करेंगे, 25,000 करोड़ की हम लोग बात करेंगे, ये फिलहाल अभी हमने मंथ ऑफ अप्रैल के लिए किया हुआ है। बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली राइट आंसर। ओके, सो आंसर इज 25,000 करोड़, बहुत बढ़िया विकी, बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल से आधे लोगों को पता ही नहीं होगा इसके बारे में, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते। Who launched the Anamaya, the Tribal Health Collaborative in April 2021? Anamaya नाम का Tribal Health Collaborative है, इसको किसने लॉन्च किया? Who launched this? इसको लॉन्च किसने किया? Okay, yes guys, चलो जल्दी से बता दीजिए, इसको लॉन्च किसने किया? Okay, yes, देखो अभी आ गया इंग्लिश में पढ़ा वाले, के अभी तक हिंदी वाला चल रहा था, फिर इंग्लिश में कोई फिर कुछ दिन बताएगा सर तमिल में पढ़ा दो, गुजराती में पढ़ा दो, के मराठी में पढ़ा दो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, चलो बताइए कि भाई इसको किसने लॉन्च किया है? अनामया नाम का ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव है, इसको लॉन्च किसने किया है? Okay. अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिल रहा है, आई एम नॉट गेटिंग दिस।
अस्मिता समरवाल एब्सोल्युटली राइट। अस्मिता समरवाल योर आंसर इज राइट। यहाँ पे दो मिनिस्टर्स है, हर्षवर्धन साहब और अर्जुन मुंडा साहब, दो मिनिस्टर्स ने इसको लॉन्च किया। सो अस्मिता समरवाल यू आर द फर्स्ट पर्सन, और मेरे ख्याल से के अभी तक तो आप एकलौती थी जिन्होंने ये आंसर किया हुआ है, बहुत बढ़िया आंसर किया डॉक्टर हर्षवर्धन के, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है, और ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा, इन दोनों ने मिलके ये अनामया नाम का स्कीम लॉन्च किया। सो दिस स्कीम इज लॉन्च बाय टू मिनिस्टर्स। सो यस, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने के, एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया। ओके सो गुड आंसर, यस ये आंसर चाहिए था एक्चुअली। मेरे ख्याल से काफी लोगों ने एक एक मिनिस्टर के नाम लिखे, कुछ लोगों ने स्टेट्स के नाम लिखना शुरू कर दिए, पता नहीं स्टेट्स कहां से बीच में आ गए। तो अस्मिता समरवाल बहुत बढ़िया आंसर, ठीक है चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट। ओके पीएम मोदी विल रिलीज द हिंदी ट्रांसलेशन द बुक ओडिशा इतिहास। ओके हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, ओडिशा इतिहास के ऑथर कौन है? ये बुक को ओडिशा इतिहास बुक को ओडिया लैंग्वेज में थी, जिसको अभी हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, पर इस बुक के ओरिजिनल ऑथर कौन है जल्दी से इनका नाम बता दीजिए। जल्दी से इनका नाम बता दीजिए कि भाई ओरिजिनल ऑथर कौन है इस बुक के। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलो जल्दी देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। यस ओडिशा इतिहास की बात करेंगे, लेट्स सी हाउ मेनी। मैम पूरा नाम बता दीजिएगा। ओके अर्चना, यस अर्चना जी एब्सोल्युटली राइट, अर्चना जी बहुत बढ़िया। ओके हरे कृष्ण महताब की हम लोग बात करेंगे, आपका पॉइंट सही है, उनको उत्कल केशरी भी कहते हैं, पर हमें नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि उनका रिटर्न बाय द उत्कल केशरी। ओके डॉक्टर हरे कृष्ण महताब जो ओडिशा के पहले चीफ मिनिस्टर भी रहते, तो अर्चना जी आपका आंसर सबसे पहले आया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके सो आंसर इज राइट, यहाँ पे हरे कृष्ण महताब साहब की बात करेंगे, ओडिशा के पहले सीएम भी रह चुके, याद रखेगा ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, और जिनको अमेजॉन वाउचर मिला उनके नाम भी हमने लिए के, आप बस एक बार जाके फॉर्म फिल कर दीजिएगा सो दैट आवर टीम कैन इजीली कॉन्टेक्ट यू। के तो टेलीग्राम चैनल है जहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो, तो एक घंटे के बाद आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए के, और बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिएगा तो सो दैट यू कैन गेट द प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आवर लेक्चर्स ठीक है। मिलते हैं हमारे कल के लेक्चर के अंदर, विल मीट टुमारो के एंड विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। तब तक आप लोग सेफ रहिए, घर के अंदर सुरक्षित रहिए, ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और होप करते कि आपकी फैमिली भी सेफ रहेगी ठीक है। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए सुरक्षित रहिए और प्रॉपरली पढ़ते रहिए। बाय बाय।